नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हमारे देश की सड़कों पर दौड़ते विशालकाय ट्रक अपने आप में किसी दैत्य से कम नहीं है। ये हर साल सैकड़ों लोगों की जिंदगी ले लेते हैं। ताजा मामला दिल्ली का है, जहां NH24 पर एक ट्रक ने डिवाइडर तोड़कर एक इनोवा को ऐसी भयानक टक्कर मारी कि इनोवा में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। उससे पहले सीधे आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या तो प्राचीन भारत की ही नहीं, दुनिया की प्राचीनतम जो नगरियां हैं, काशी है, अयोध्या है, ये सभी उन प्राचीनतम नगरियों में से हैं जिन्होंने दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, दुनिया को संस्कार दिया है, दुनिया को संस्कृति दी है। आज भी आप चले जाइए पूरी दुनिया के अंदर, भारत की पहचान राम और बुद्ध के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर देखी जा सकती है। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान के रूप में, भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद के रूप में योग को दुनिया के अंदर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप चले जाइए दक्षिण पूर्व देशों में, वहां पर राम के नाम पर वहां की पहचान और वहां पर राम की परंपरा आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। आप थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड के राजा अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर वहां की पूरी परंपरा रामायण पर आधारित है। रामलीला वहां का नेशनल फेस्टिवल है, यानी जिस रामलीला का आयोजन आप यहां करते हैं, गांव गांव में करते हैं, घर घर में यहां पर रामलीला के आयोजन के लिए लोगों के अंदर एक नई उत्सुकता होती है। भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो भगवान राम की उस लीला के बारे में बचपन से ही अपने परिवार में अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी नानी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के इन प्रसंगों को सुनता रहा हो। लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष हम लोग अपने गांव में रामलीला का आयोजन कराते हैं, बावजूद इसके हर वर्ष हमारे नगर में, हमारे कस्बे में या जहां कहीं भी रामलीला का आयोजन होता है, हजारों हजार की भीड़ वहां एकत्र होकर के भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एकत्र होता है। उस मंचन के माध्यम से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है। और यही नहीं, जब एक कथा व्यास किसी कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस गाथा को अपने प्रवचनों के माध्यम से भी व्यक्त करता है, उसका वाचन करता है, तब भी हम सब इस बात को देखते हैं कि हजारों की भीड़ एकत्र होकर के मंत्र मुक्त होकर के 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान राम की इस गाथा को, भगवान राम की इस लीला को सुन करके न केवल द्रवित होता है, अभी तो अपने को धन्य मानता है कि मैंने भगवान राम की कथा का श्रवण किया है। हर वर्ष होता है, हर जगह होता है, यही तो राम की महिमा है। जिनकी लीला को, जिनकी कथा को सुनकर के, हर वर्ष सुनकर के, जान करके हर परंपरा का व्यक्ति, हर मत, हर मजहब का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को इस रूप में व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। और जिस राम की महिमा दुनिया के अंदर गाई जा रही हो, उस राम की महिमा को जानने, उस राम, भगवान राम की महिमा को नजदीक से देखने का अवसर अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो,
तो उसको उससे वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार अयोध्या आता हूं, आगे भी आऊंगा। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, पूज्य परमहंस जी महाराज से जब मैं लखनऊ जाता था या लखनऊ से आता था, और अगर पूज्य महाराज जी यहां पर हैं तो मैं अक्सर उनके दर्शन करने के लिए आता था। कितनी सादगी भरा था उनका जीवन। हेलो, कैसे कैसे तर्क थे उनके पास, इसलिए उनको वो संतों की सभा में प्रतिवाद भयंकर के रूप में भी लोग महिमा मंडित करते थे। और अलग अलग अपने तर्कों के माध्यम से मुझे याद है, जब ढांचा ढाने के बाद लिब्रहान आयोग की जो कमेटी बनी थी, उसमें राम जन्मभूमि से संबंधित मुद्दे पर पूज्य महाराज जी के बयान होने थे, तो ऐसे ऐसे तर्क उनके द्वारा दिए गए, कई दिनों तक वो बहस चली थी। अंत में लिखने वाला भी थक गया कि आप एक एक नया तर्क हर एक उसमें जोड़ दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये उनका स्वभाव था। और सादगी किस रूप में, एक बार मैं लखनऊ जा रहा था तो मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम लखनऊ जा रहे हो तो एक काम करना, वहां परमहंस का हालचाल लेते हुए जाना और शाम को फिर मुझे बताना कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। तो जब मैं आया तो पूज्य महाराज जी गेट पर ही बैठे हुए थे। सदरी और धोती उनका मुख्य जो पोशाक थी उनकी, यानी जिसको आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं, वह सदरी और एक धोती हुआ करती थी। धोती भी बड़ी गंदी थी और सदरी भी बहुत पूरी काली हो गई थी। तो मैंने उनको देखा, वे सर्दियों का दिन था, आग सेक रहे थे। तो मैंने कहा, महाराज जी आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और कैसे कपड़े आपने पहने हुए हैं? कहा, बेटा मैं इसलिए बैठा हूं, मुझे कुछ लोगों ने मारने की धमकी दी है और उन्होंने सुपारी दे दी है कुछ गुंडों को मुझे मारने के लिए, और मैं इसलिए बैठा रहता हूं कि कोई लोग, जब कोई अपराधी मुझे मारने के लिए यहां आता है तो मुझे पहचान ही नहीं पाता है कि परमहंस मैं ही हूं। एक बार एक अपराधी आया था, वो मुझसे पूछ रहा कि परमहंस कहां रहता है, तो मैंने कहा यही कहीं होगा, तो मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए आया है। यानी कैसे कैसे तर्क उनके पास हुआ करते थे। एक बार रात्रि में मैं पहुंचा था, 10 बजे के आसपास मैं आया रात्रि में, तो मैंने मणिराम दास सावनी के पूज्य महाराज जी के यहां वही प्रसाद ग्रहण कर लिया था। मैं रात्रि 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में आया। अगले दिन प्रातः पूज्य महाराज जी को मेरे साथ ही गोरखपुर चलना था। तो रात्रि में जब मैं आया तो उस समय पूज्य परमहंस जी महाराज यहां नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, लेकिन उनको देर रात्रि में आना था। तो दिगंबर अखाड़ा में जो लोग थे मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि भोजन, मैंने कहा नहीं, वह प्रसाद तो ले चुके हैं। मैंने कहा भी केवल यहां रात्रि विश्राम करके प्रातः हम लोगों को फिर गोरखपुर जाना है। कहा कि महाराज जी तो अभी बाहर गए हैं, रात्रि में आएंगे, आप जो है विश्राम करेंगे। मैंने कहा विश्राम करेंगे, तो मैं विश्राम करने के लिए मैं था, मेरे साथ एक दो लोग और थे, हम लोग विश्राम करने के लिए लेट गए। रात्रि को 12 बजे पूज्य परमहंस जी महाराज आए। हम सोए हुए थे तब तक आए, जगाए, कहा कि दिगंबर अखाड़ा में आए, रात्रि को भोजन नहीं पिए, भोजन नहीं ग्रहण किए। मैंने कहा हम लोग ले चुके हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, लेना पड़ेगा यहाँ पे। रात्रि को 12 बजे फिर हम लोगों को जबरदस्ती भोजन और दूध पिलाते हैं, जबरदस्ती हमें वहां प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। कहीं कैसे हो सकता है कि गोरख स्पीड से कोई आए और खाली पेट रात को सो जाए यहाँ पर, ये नहीं हो सकता है। इतनी आत्मीयता थी। अब याद करिए वो दिन 1990 का, जब कोठारी बंधुओं को गोलियों से भूना गया था यहां पर, और दिगंबर अखाड़ा के बाहर उनका स्मारक बनाने का कार्य किया था उन्होंने, पूज्य परमहंस जी महाराज ने,
कि राम जन्मभूमि के प्रति और इस संपूर्ण आंदोलन के प्रति उनके मन में क्या भाव है। सज्जनों, अयोध्या उपेक्षित रही है, भारत की परंपरा के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, हमारे जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने अभी कुछ बातें कही, पता नहीं क्यों भारत की पहचान के इन प्रतीकों को उपेक्षित किया गया। हमारी धार्मिक आस्था के तो केंद्र हैं ही, भारत के वास्तविक इतिहास के केंद्र बिंदु में ये स्तंभ हैं, और इन स्तंभों के प्रति सम्मान का भाव रखना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से लोग उधर ध्यान नहीं दे पाए। केंद्र में से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद पहली बार इन बातों को ध्यान में दिया गया कि इस देश के अंदर रामायण सर्किट भी बन सकता है। भगवान राम अयोध्या से वनगमन का उनका जो पथ है, उत्तर से लेकर के दक्षिण को जोड़ने का एक पथ हो सकता है, और इसका विकास होना चाहिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत। केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने राम सर्किट के नाम पर, कृष्णा सर्किट के नाम पर, बुद्ध सर्किट के नाम पर, आध्यात्मिक सर्किट के नाम पर इस देश के उन सभी प्रतीकों को आपस में जोड़ करके पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को राजनीतिक एकता के सूत्र में भी बांधने का कार्य किया है। एक महत्वपूर्ण कार्य है ये। हम लोग अभी एक दिन विधानसभा में थे, चर्चा हो रही थी, वहां पे एक सज्जन ने कहा कि अयोध्या के विकास की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन चित्रकूट के विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने कहा इस स्वदेश दर्शन का जो कार्यक्रम है, रामा सर्किट का जो कार्यक्रम है, इसमें अयोध्या का भी विकास होगा तो चित्रकूट का भी विकास होगा, बीच में श्रृंगवेरपुर का भी विकास होना है, और इसमें साथ ही साथ पंचवटी का विकास भी होगा, और उस मार्ग को भी विकसित किया जाएगा जो दंडकारण्य के नाम पर आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है। ये सभी उसके विकास के केंद्र बिंदु होंगे। रामेश्वरम तक जाएगा और आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार पुनः राम सेतु का निर्माण भी लंका को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। एक बड़ा अभियान उसके अंतर्गत होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कि अयोध्या ने देश को एक नई पहचान दी है, वो राम भक्त हैं सबसे पहले, इसीलिए वो अयोध्या बार बार आते रहेंगे और अयोध्या का हल सकारात्मक राजनीति से ही मिलेगा। तो अब से कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि वो राम भक्त पहले हैं, उसके बाद वो सीएम हैं। उनका ये कहना था कि राम मंदिर विवाद तभी सुलझेगा जब सकारात्मक राजनीति की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा अयोध्या आया हूं और बार बार आता रहूंगा, राम की महिमा सारी दुनिया जानती है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इंडोनेशिया तक में रामलीला मनाई जाती है, वहां पर भी रामलीला का मंचन होता है।